दिस वीडियो ऑफ दी ललन टॉप इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्ते और स्वागत। दी ललन टॉप के पते पर पहुंच चुके हैं आप। सुशांत सिंह राजपूत केस की उलझी हुई गुत्थी सुलझाने का जिम्मा अब है सीबीआई के पास, लेकिन हम जानते हैं कि सीबीआई ने जांच की यह जिम्मेदारी अपने कौन से होनहार अधिकारियों को दी है। जांच के लिए सीबीआई ने बनाई है एसआईटी, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी मनोज शशिधर लीड करेंगे। उनके अलावा टीम में तीन और अधिकारी हैं, गगनदीप गंभीर, नुपुर प्रसाद और अनिल यादव। हम एक एक करके इन चारों अधिकारियों के बारे में बात करते हैं। पहला नाम है मनोज शशिधर का। ये एसआईटी के मुखिया बनाए गए हैं, मतलब केस को यही लीड करेंगे। गुजरात कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जनवरी 2020 में इन्हें सीबीआई का ज्वाइंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। सीबीआई से पहले मनोज शशिधर गुजरात में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में एडिशनल डीजी थे। इसके अलावा वडोदरा के पुलिस कमिश्नर, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में डीसीपी और अहमदाबाद में जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी वे रह चुके हैं। इसके साथ ही गुजरात के 5 जिलों में वह एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दूसरा नाम है गगनदीप गंभीर का। 2004 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। गगनदीप पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर भी रह चुकी हैं। पश्चिमी राज्यों के कई जिलों में बतौर एसएसपी सेवाएं दे चुकी हैं और 1.5 साल पहले ही सीबीआई में इनकी नियुक्ति हुई। गगनदीप कई हाई प्रोफाइल केस समेत कई बड़े घोटालों की जांच टीम का भी हिस्सा रही हैं। उन्होंने अवैध खनन मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कथित भूमिका की जांच को भी सुपरवाइज किया था। इसके बाद उन्हें सृजन घोटाले और पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ केस करने वाली यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया था। जॉइंट डायरेक्टर साई मनोहर की अगुवाई वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में गगनदीप के पास डीआईजी का अतिरिक्त प्रभार भी था, वही टीम जो विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही थी और इसे पहले राकेश अस्थाना हेड कर रहे थे। कोयला घोटाले से भी जुड़े कुछ मामलों की जांच गगनदीप ने की है। इस फहरिस्त में तीसरा नाम है अनिल यादव का। सीबीआई के एडिशनल एसपी हैं। सुशांत केस में इन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले और एमबीबीएस छात्रा नम्रता डामोर की मौत के मामले में जांच अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड, शोपियां रेप केस और विजय माल्या केस की भी जांच कर चुके हैं। अनिल यादव का मध्य प्रदेश में सीबीआई के साथ 2014 से 2016 तक 2 साल का कार्यकाल था और इसी दौरान उन्होंने नम्रता डामोर केस की जांच की थी, वही स्टूडेंट जिसकी बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की जांच में तो अनिल यादव को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया गया था। अगला नाम है नुपुर प्रसाद का। टिकारी के सलेमपुर गांव की रहने वाली हैं। 2007 बैच की एजीएमयूटी कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। नुपुर की नियुक्ति सीबीआई में 2019 में हुई थी। दिल्ली के शाहदरा की डीएसपी रह चुकी हैं। सीबीआई में बतौर एसपी कार्यरत हैं। सुशांत केस में सीबीआई की तरफ से गठित एसआईटी टीम में इन्हें भी जिम्मा मिला है। तो ये थे वो चार अधिकारी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा केस है उसकी जांच करेंगे, सीबीआई की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, अलग अलग पहलुओं पर जांच चल रही है, अलग अलग लोगों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इस पूरे केस में, सीबीआई की जांच में, और साथ ही में ईडी की भी जांच चल रही है प्रवर्तन निदेशालय की। इनसे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारी साथी उमा ने और मेरा नाम है अभिषेक। दी ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।